गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी मैजिकल हेयर जेल शेयर कर रही हूँ जो कितने भी बाल झड़ रहे हो, पतले हो, कमज़ोर हो, सब पर असर करेगी। इसमें न ही एलोवेरा जेल है, न ही फ्लेक्सीड हेयर जेल है, फिर भी ये एक जेल है, ये एक जादुई जेल है। ठीक है, इसे हम कैसे बनाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। हाँ, बिल्कुल ही कम चीज़ों से मैंने इसे बनाया है। हमारे किचन में ही वो चीज़ें आसानी से मिल जाएगी, कोई भी ज़्यादा झंझट का काम नहीं है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे और कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले इसमें मैंने डाले हैं 3 बड़े गार्लिक के पीसेस। उन्हें मैंने हल्का सा इसे सिर्फ एक बार कूटा है, क्रश किया है, कूटना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है। उसके बाद मैंने लिया है 3 कप पानी, उसमें डालेंगे 2 चम्मच मेथी दाना के। अब गार्लिक और मेथी दाना दोनों ही बालों को झड़ने से तुरंत ही रोकते हैं। कितने भी आपके हेयर फॉल हो रहे हो, इससे कम होंगे ही होंगे। ठीक है, अब दोनों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल करना है। और मेथी दाना की एक ख़ास बात ये और है कि वो ड्राइनेस भी बिल्कुल नहीं आने देता है पानी पे। बाल इसे हम यूज़ करते रहेंगे तो बाल लंबे समय तक काले, घने और मज़बूत रहते हैं। अब जब इस तरह से ये अच्छी तरह से बिल्कुल बॉयल हो जाए, पानी का कलर चेंज हो जाए, मेथी दाना फूल जाए, तो हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से, 3 से 4 घंटे छोड़ दें। उसके बाद एक बार इसे हम हाथ से इस तरह थोड़ा सा मस लेंगे, जैसे जो भी मेथी दाना का स्लाइमीनेस है, जो भी गार्लिक की गुडनेस है, वो हमें पूरी अच्छी तरह से पानी में मिले। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह से इस तरह मस लेंगे। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें, उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें। तो हम ऐसे इस तरह छान रही थी छन्नी से, पर वो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, देर लग रही थी छनने में और अच्छे से निकल नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, एक कपड़ा लिया साफ और उससे मैं इस जो जेल बन चुकी है हमारी, इसे हम निकाल लेंगे इस तरह। इस तरह वेस्ट भी नहीं होगा और पूरी अच्छी तरह से हमें पूरा मटेरियल मिल भी जाएगा। ये देखिए, अब ये मैजिकल बिल्कुल रेडी है जेल। इसमें आप दही डाल सकते हैं, ठीक है, पर बहुत लोगों को दही सूट नहीं करती है, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं, तो उसके बदले आप कोई भी ऑयल डालें। कोशिश करें कि कैस्टर ऑयल डालें अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं तो, क्योंकि मैं अपने रेमेडीज़ में बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैस्टर ऑयल बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे सबसे अच्छा ऑयल है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल पतले हैं, तो आपको कैस्टर ऑयल का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करना है अपनी रेमेडीज़ में। फिर इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और लगाना कैसे है, इसे अपने बिल्कुल जड़ों में आपको अच्छी तरह से लगाना है। ठीक है, अगर बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं तो कॉटन के हेल्प से लगाएं और फिर मसाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं तो। उसके बाद 2 से 3 घंटे छोड़ दें और फिर बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं इसका रिजल्ट आपको क्या मिला। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।